जितनी फिल्में हैं सब शट डाउन हो रही हैं बिकॉज दे आर इन डेट्स, मतलब कहते हैं ना गले तक उन कर्जे में थे उस टाइम। और उसके बाद बोला कि नदिया के पार हमारे लिए मतलब भगवान की तरह कुछ प्रॉब्लम्स हुई हमारी। डेफिनेटली जो कैमरामैन थे उनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। नमस्ते, हेलो, मैं आपकी साधना सिंह यानी गुंजा आपसे बात करने आई हूँ। आज यहाँ पे मैं अपनी लाइफ के छोटे छोटे इंसिडेंट्स या अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करूँगी आपसे। हम सब बहन भाई बनारस में पैदा हुए थे क्योंकि वो जो पार्टीशन हुआ था उस वक्त सब लोग बिखर गए थे, तो मम्मी डैडी आके बनारस में टिक गए और फिर वहीं हम लोगों की जर्नी शुरू हुई और हम लोग सब वहीं पैदा, हमारी पैदाइश वहीं की है। हम लोग तीन सिस्टर हैं, दो भाई हैं। बचपन जैसा होता है, फुल ऑफ मस्ती, मजाक, खुशहाली और हंसना बोलना। मुझे एक्टिंग का बिल्कुल शौक नहीं था, पहले कुछ भी शौक नहीं था, इतना आइडिया ही नहीं था क्योंकि मैं हमेशा गाती रहती थी तो वो दिमाग में कभी क्रॉस भी नहीं हुआ। तो ये बात दीदी ने, मेरी जो सिस्टर है, उन्होंने जब बड़ी हो गई तो ये था कि अब कुछ चुनना है। और सिंगिंग लाइन में बहुत कॉम्पिटिशन भी था, बट आई वॉज रेडी। बाद में पता चला कि नहीं, नदिया के पार मेरी गोद में गिर गई, तो ये हुआ कि अच्छा एक्टिंग क्या होती है। मैंने तो कभी एक्टिंग सीखी नहीं थी, कोई मेथड जानती नहीं थी, लेकिन दादा ने 15 दिन मुझे ऑब्जर्व करके ये डिसीजन ले लिया था। कैसी लगती है? बहुत अच्छी। अब ये लगा के देख लो। क्या? बिंदी। कहा नाम बिंदी नहीं लगाती। कभी तो लगाओगी, फिर ले जाती गाय हो। लगाओ जरा, हम भी देखें कैसी लगती है। आ, अरे वाह, बहुत बढ़िया लग रही है। का पता हम कैसे देखें? हमारी आंखों में देखो। तुम्हारी आंखों में तो बस टिकी बात दिखती है। का? जो तुम्हारे मन में है। हमारे मन में तो गुंजा। बस मन की बात मन ही में रहने दो, समय आएगा तब बताना। वहाँ उस टाइम के लोग ना, उनको इतने ऑडिशंस नहीं चाहिए होते थे, वो एक नज़र में देखते थे कि हाँ ये हमारा कैरेक्टर है, बस बात खत्म। शुरू में आई ही थी मैं जब बॉम्बे, और आई क्यों थी क्योंकि मेरी सिस्टर यहाँ पे पायल की जानकार कर रही थी राष्ट्रीय की, और वो उनको बहुत अकेलापन फील होता था, तो उन्होंने डैडी को बोला कि उसको भेज दीजिए एग्ज़ाम के बाद। तो मैं वैसे तो आई थी बॉम्बे देखने, लेकिन फिर रुक गई रोक लिया गया मुझे फिर। अब तो और भी शर्म आएगी, देखो तुम इस तरह हमसे बार बार मिलने मत आया करो। अब तो हम रोज आएंगे। नहीं, हाँ, नहीं, आएंगे नहीं। अरे याद है यही कोवर में तुम एक सर था रहे थे हमसे कि जब जो भी हम कहेंगे वो तुम्हें मानना पड़ेगा। नदी के बाद मैं ऐसे आई कि वो एक्चुअली मेरी सिस्टर करने वाली थी वो, और वो ऑलरेडी पायल की जानकार कर रही थी, और पता चला कि नहीं किसी और को लेने की बात चल रही है क्योंकि मेरी सिस्टर ऑलरेडी एक फिल्म कर रही है उनके साथ, तो दे वॉन्टेड फ्रेश फेस। तो मेरी सिस्टर ने को भी लगा कि जब मैं नहीं कर रही हूँ तो मेरी बहन करे, तो उन्होंने मुझे बुला लिया बॉम्बे, और उनके साथ मैं शूट पे जाती थी 15 दिन 16 दिन जो भी थी मैं यहाँ पे। तब वहाँ पे मुझे दादा ने बताया कि मेरा हाल, क्या कहते हैं, हाल चाल सब तरीका देखा मेरा, बैठने का उठने का अच्छे से ऑब्जर्व किया, और उनको लगा कि उनकी गुंजा मिल गई। उसके बावजूद भी हम लोग का स्क्रीन टेस्ट हुआ, बस उसके बाद तो बात हो गई कि नहीं फाइनल है। तो आज याद आई गई हमारी? याद तो उसकी आती है जिसे कोई भूल जाए, हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे। तो फिर इतने दिन बाद कहाँ आए? हम तो रोज तुम्हारी राह देखती थी। हमें मालूम है गुंजा, पर क्या करें, हम आने का मौका ही नहीं मिलता था। काका भी कभी बीमार नहीं पड़ते कि आने का बहाना मिले। राज बाबू, तो उनसे पहली जो मुलाकात थी ना मेरी, जब फिल्म के लिए मैं चुनी गई, क्योंकि उससे पहले उन्होंने मेरी
पिक्चर्स जो है सचिन को दिखाएं। सचिन ने देखने के बाद बोला, अरे ये तो, उसको घर का नाम मेरा पता था कि अरे ये तो पुपली है, तो इसको तो मैं जानता हूँ। तो राजबाबू ने बोला कि हाँ ये लड़की हमने सेलेक्ट कर लिए। लेकिन जब राजबाबू से मैं मिली, वो उनका एक तरीका है, सब बुलवाते हैं, कभी डायलॉग बुलवाते हैं, कुछ होता है, तो मुझे भी उन्होंने, और लेकिन वो इतने धीरे बोलते थे ना कि पूरा मतलब माइंड उधर लगाना पड़ता था क्या बोल रहे हैं। आजकल के ज़माने में जो चै 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 सब बोलते हैं ना, तो हम लोग की भी आवाज़ कम हो जाती थी राजबाबू के सामने। जैसे अगर कुछ बोला तो हाँ राजबाबू आप नहीं, राजबाबू आप ऐसा कर सकते हैं। तो एनीवे जब हम लोग शूट वूट करने लगे, शूट नहीं शुरू हुआ था सॉरी, तैयारियाँ करने लगे, और एक दिन अचानक खबर आ गई कि राष्ट्रीय शटडाउन हो रहा है, जितनी फिल्में हैं सब शटडाउन हो रही हैं, बिकॉज दे आर इन डेट्स, मतलब कहते हैं ना गले तक उन कर्ज़े में थे उस टाइम। और ये हुआ होगा, उन्होंने अपना फैसला लिया होगा जो भी, कि हम सब बंद करें, सब प्रोडक्शन बंद करें, उसके बाद जो करना करें। जब मुझे पता चला कि बंद हो रही है फिल्म, सारी फिल्में बंद हो रही हैं, सब ठप हो गई, तो मैं गई उनके पास और बैठे हुए थे, बोले, मैंने कहा आप सब फिल्में बंद कर रहे हैं राजबाबू? तो बोले हाँ करनी पड़ेंगी, मजबूरी है हमारे पास। तो मैंने कहा मेरी भी फिल्म बंद कर देंगे क्या, और मैं वापस चली जाऊँ क्या? जिस तरह वो कहते हैं, जिस तरह इस लड़की ने बोला ना, तो कहते हैं दिल में लग गई मेरी बात की, अब तो कुछ बने ना बने नदिया के बार तो ज़रूर बनेगी। और ये बात वो ये किस्सा सबको सुनाते थे, जब भी पार्टीज़ में हम लोग मिलते थे या कहीं ग्रुप में, हमेशा वो बोलते थे ये बात, कभी नहीं भूला उन्होंने। इवन कोमल मवाकर की शादी थी, वहाँ भी मिले, वो सबको बुलाते थे, आइए आपको बताऊँ कि क्या हुआ। और उसके बाद बोला कि नदिया के पार हमारे लिए मतलब भगवान की तरह, इतना ऊपर ले आई, इतना ऊपर ले आई कि सोचा भी नहीं था। तो ये उनका बड़प्पन है ऐसे बोलना, मैंने किस अंदाज में बोला होगा, नहीं बोला। कभी किसी की बात आपको दिल में एकदम लग जाती है ना, तो उनके साथ वही हुआ। अगर उन्होंने मुझे देख लिया, साधना जी आइए आइए, आप लोग सब लोग आइए इधर, इनके बारे में बात बताना चाहता हूँ, तब वो शुरू। कई बार ऐसा हुआ हम लोग के साथ कि उन्होंने ये बात, और राष्ट्रीय के हर इंसान को पता है, आप गुप्ता जी को पूछेंगे तो उनको भी पता है कि अब किस मासूमियत, क्या मासूमियत रही होगी मुझ में मालूम नहीं, या कोई एक्टिंग तो नहीं की होगी मैंने, दिल की बात जैसे होती है ना, दिल तक पहुंच जाती है। तो उनका ये बोलना कि अब तो नदिया के पार ही बनेगी, बाकी कोई फिल्म नहीं बनेगी अब, लेकिन ये तो बनेगी, क्योंकि ये जिस तरह इसने बोला मैं जाऊँ वापस, कहते वो मुझे बिल्कुल झंझोड़ दिया। सुधा भाभी के साथ हम लोग ने, जितने राजबाबू की जो वाइफ हैं, सूरज की मदर हैं, तो उनसे भी मैं बहुत क्लोज थी, हर चीज़ का उनके पास इलाज होता था। हम लोग एक महीना ऑलमोस्ट टूर किए हम लोग नदिया के पार के बाद, लोग सोचते थे मैंने ही गाया है वो हिमलता की आवाज़ को, तो मानते नहीं थे, लेकिन ये है कि हम लोग का बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और सुधा भाभी, ये भाभी को देख के हमको तो मतलब हर चीज़ का ध्यान रखती थी वो, तो बहुत अच्छा टाइम रहा उनके साथ। शूट के तो बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि उस वक्त फ़ोन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, तो अगर किसी से बात करनी है तो आपको जौनपुर जाना पड़ेगा, STD लगाना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तो हाँ वो सब प्रॉब्लम हुई। और मुझे तो ख़ासकर दादा ने क्या किया कि गाँव में ही रख दिया, और मुझे बोला चप्पले उतार दो, ये सब ब्रश रश नहीं करना, दातुन किया करो, इस माहौल में ढल जाओ तुम, और जितना हो सके घूमो गांव वगैरह। तो वहाँ पे ना लाइट नहीं होती थी, तब शाम के टाइम दिया जलता था। कहाँ है, वहीं चल के बैठो ना। नहीं पहले एक बात बताओ। का तुम नाराज हो हमसे? नहीं तो नाराज काहे होंगे। तो शुरू में तो ऑफ कोर्स तकलीफ होती है, आप शहर के रहने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे मज़ा आने लगा, और शूट होती गई, और मुझे इसका ख्याल नहीं था कि शूट में ये करना है वो करना है,
कुछ प्रॉब्लम्स हुई हमारी डेफिनेटली, जो कैमरामैन थे उनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो जैसे ही उनके सामने आती थी तो बहुत गुस्से वाले थे, इधर खड़े रहो, उधर खड़े हो, क्या पकड़ के लेके आ गए आप। तो एनीवे सुनील जी जहाँ भी होंगे सुन रहे होंगे, तो मुझे बहुत ह्यूमिलेटिंग लगता था उस टाइम, छोटी भी थी तो मुझे लगता था कि राजबाबू को कैसे बताऊं, क्योंकि फ़ोन का इतना प्रॉब्लम था। लेकिन दादा हमेशा आते थे मेरे पास, गोविंद जी डायरेक्टर जो थे, कि मेरा बहुत बड़ा ब्रेक है तो इसलिए प्लीज़ सह लो ये सब। और तो वो डांट खा खा के मैंने पूरी पिक्चर की, क्योंकि उनके हिसाब से कुछ भी अच्छा नहीं था मेरा। तो लेकिन बाद में फिर ये हुआ, राजबाबू ने मीटिंग बुलाई, ये बुलाई, चीज़ें सॉर्ट आउट हुई बाद में। राम जाने, सचिन को एक्चुअली मैं पहले से जानती थी, फिल्म के पहले से जानती थी, और मतलब इतना नहीं जानती थी। जब मैं बॉम्बे घूमने आई थी तो उनसे मुलाकात हुई थी, दिलीप नायक करके हैं वो, यश चोपड़ा के वो असिस्टेंट थे, तो उनका आना जाना रहता था उस घर में जहाँ हम लोग ठहरे थे। तो उन्होंने कहा चलो चलो त्रिशूल की शूट हो रही है, चलो तुम्हें दिखाएं। मैंने कहा नहीं, मैं बॉम्बे सिर्फ समंदर देखने आई हूँ। मुझे और कोई हीरो हीरोइन का कोई शौक नहीं है कि जाके ऑटोग्राफ लूँ या कुछ। तो मस्त थी, अपने तरह की थी, गाना ना गाया अपना, ठीक है। तो क्या कहते हैं ना, बिंदास, यहाँ के वर्ड में बिंदास थी, टॉम बॉय थी। तो सचिन के साथ जो दोस्ती बढ़ी, मतलब ड्यूरिंग शूट, तो काफ़ी मेरे लिए, मुझे मेरा ख्याल रखते थे। और हम लोग की दोस्ती ऐसी थी ना जैसे दो यारों की होती है। अगर यहाँ कोई तीसरा आदमी आए और तुमसे पूछे कि हम तुम्हारे कौन हैं, तो तुम उसका क्या जवाब दोगी? हम यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। तुम्हें कैसे मालूम कोई नहीं आ सकता? मान लो आ ही जाए तो कैसे आएगा? कहो तो अभी ताली बजाकर बुलवा दे। किसको? तो उसमें कोई उस तरह का भाव नहीं था, बट मस्ती थी। लेकिन जैसे दो लड़कों की मस्ती होती है, ये लड़कियों की, उस तरह के थी। नेवर सोचा नहीं था। गेस करने की बात क्या है, राजबाबू आज होते तो बताते। मतलब मैं आई और मैंने स्क्रीन पे जब अपने आप को देखा ना, तो मैं बहुत रोने लगी। मैंने कहा मैं तो हीरोइन ही नहीं लग रही हूँ ये, क्योंकि उन दिनों ये होता था, हीरोइन मतलब कोई ना कोई OTT वाली बात थी, कुछ और चीज़ है, कहीं और से आई है। लेकिन राजबाबू बहुत हैरान हुए, बोले नहीं आप ख़राब नहीं लग रही हैं। मैं ख़राब नहीं, लेकिन मैं अच्छी भी तो नहीं लग रही हूँ, तो ये प्लीज़ पिक्चर मत रिलीज़ कीजिएगा, प्लीज़ मत कीजिएगा। तब राजबाबू ने यही बोला था कि देखना जो ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही ना, यही पब्लिक को पसंद आएंगी। मैंने कहा क्योंकि सुनील जी मेरे हर शॉट को ख़राब कर देते थे, इसलिए मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मैं ऐसा नहीं लग रही हूँ। छोटी थी तो बस ये लग रहा था कि अच्छा लगना चाहिए और कुछ हो नहीं हो। तो बोले तुम रुको, इसको वेट करो और जब ये पिक्चर रिलीज़ होगी। लेकिन राजबाबू ने भी इतनी बड़ी फिल्म बनेगी या इतनी बड़ी हो जाएगी ये नहीं सोचा था, हम सब में से आई थिंक किसी ने भी नहीं। कुंजा, हमें इतना भरोसा था तुम पर कि अगर तुम हमारी मजबूरी को सुनोगी तो मैं समझोगी और कर दूंगी। बहुत बड़े हो चंदन। हाँ, पहले हम तुम्हें केवल चाहती थी, पर अब श्रद्धा करेंगे। देवता ना भी मिले तो क्या पुजारी की भक्ति छूट जाती है? रिलीज के बाद मैं वैसी की वैसी हूँ, आज तक कुछ चेंज नहीं हुआ। मुझे बहुत सक्सेस देखने को मिली जो लोगों को बरसों में भी नहीं मिलती, तो मैं उसी से बहुत तृप्त थी। लेकिन एक टाइम था कि मुझे लगा कि अब सोचती हूँ, जब तो हम लोग के पास कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो बस उसकी वजह से और थोड़े
बिंदास टाइप के, ठीक है लेट बैक, मिली तो ठीक है नहीं मिली तो ठीक है, ये चक्कर था। नहीं नहीं, माइलस्टोन तो यही थी और यही है, ये फिल्म इतनी ज़िंदा है अभी तक। मतलब मैं हैरान हो जाती हूँ कि लोग बड़े बड़े इंसिडेंट भूल जाते हैं, लेकिन ये फिल्म बिल्कुल नहीं बदलती। लोग आज तक इसकी बात करते हैं, मैं बाहर जाती हूँ आज तक अपने वो सीन किया, मतलब इतनी ज़िंदा है ना ये फिल्म, लाइवली, कि अगर आपके टीवी पे आ रही तो आपको वहीं पे रोक देना पड़ेगा, अगर और लोग देख रहे हैं तो, ख़ास तौर पे बड़े लोग, बुज़ुर्ग लोग, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल रामायण और महाभारत की तरह है।